क्वेश्चन नंबर थ्री, अच्छा क्वेश्चन थ्री में भी क्वेश्चन वन का ही डेटा यूज होगा। अच्छा चेंज क्या है इसमें, डेट ऑफ परचेज, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर थ्री, अच्छा इसमें डेट ऑफ परचेज है 18 अक्टूबर, अच्छा ईयर एंड वही हम सपोज कर रहे हैं दिसंबर, अच्छा पॉलिसी वही है प्रोपोर्शनेट और फुल ईयर, अच्छा मेथड उसने चेंज कर दिया है रिड्यूसिंग, अच्छा मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं आएगा, मेथड कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, रिड्यूसिंग वैल्यूज मेथड प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन, पहले तो हम इसका वन ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, कॉस्ट होगी वही 8 लाख, एक्यूमुलेटेड 0 और 10%, ये तो आ गया 80,000 इसका एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नहीं गिवन है सवाल, पहला वाले चल रहे ना गिवन, हाँ अलग 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 20-30 कुछ भी रिड्यूसिंग है ना, रिड्यूसिंग में स्क्वायर वैल्यू नहीं आती, स्ट्रेट लाइन में माइनस होती है, बेचेंगे तो बेचेंगे जब देखेंगे होगी, फॉर्मूले में नहीं आएगी। अच्छा अच्छा ये तो हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन, अच्छा पॉलिसी हमारी क्या प्रोपोर्शनेट, अब इसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे कि कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 2 मंथ्स 12 डेज, 2 मंथ अच्छा देखिए एसेट मशीन हमने यूज की है 2 मंथ 12 डेज, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो मंथ्स में का कैलकुलेट नहीं होता, डेप्रिसिएशन या तो एनुअल का कैलकुलेट होता है या फिर मंथ मंथली बेसिस, हाँ जैसे आप कह रहे हैं भैया 12 डेज है, 12 डेज का कैलकुलेट करें तो फिर कोई कहेगा आवर्स में भी होना चाहिए, ये मशीन इतने बजे आई थी, ये मशीन इतने बजे आई थी, ये मशीन इतने बजे आई थी, तो इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए हम इयर्स में कैलकुलेट करते हैं या फिर मंथ्स में, डेज या आवर्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता। अच्छा तब यहाँ क्वेश्चन है कि 2 मंथ्स नहीं या 3 मंथ्स, हाँ उसके लिए भी रूल है, हाँ अगर आपने फर्स्ट 15 डेज में यानी कि फर्स्ट से लेके 15 तक फर्स्ट 15 डेज में एसेट बाय कर रहे हैं तो वो मंथ इंक्लूड होगा काउंट होगा, और अगर एसेट लास्ट 15 डेज में बाय किया 16 के बाद 30 तक तो वो मंथ काउंट नहीं होगा, टिक टिक कौन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम मशीन बाय कर रहे हैं 18 को यानी कि लास्ट 15 डेज में, तो अक्टूबर काउंट सिर्फ नवंबर दिसंबर लेंगे 2 महीने, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ 18 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर डेट होती है फिर 3 मंथ्स होते अक्टूबर काउंट हो जाता, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर एसेट फर्स्ट 15 डेज में बाय कर रहे हैं, फर्स्ट 15 डेज में बाय कर रहे हैं 1 से 15 में तो वो मंथ इंक्लूड होगा, और आखिर के 15 दिन में बाय कर रहे हैं 16 से 30 वो मंथ इंक्लूड नहीं, तो यहाँ पे हमें एसेट बाय किए 18 को तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा सिर्फ नवंबर दिसंबर, 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब 80,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/12 से, सॉरी तो ये आ जाएगा 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 13,333, कॉपी कर रहे हैं। Thank you.
एक्विजिशन का अपोजिट अच्छा नेक्स्ट इसमें फुल ईयर कन्वेंशन अच्छा फुल ईयर में 80,000 आ जाएगा फुल ईयर का चार्ज करेंगे ये कॉपी कर लें फुल ईयर कन्वेंशन फुल ईयर में पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा आवाज नहीं है खुशी आवाज नहीं है कॉपी कर लिया ठीक है अब क्वेश्चन नंबर वन लिख लें खुद ही क्या देखना अब वापस चलते हैं क्वेश्चन वन पे क्वेश्चन वन कंप्लीट करते हैं ठीक है अच्छा अब इसके रिक्वायरमेंट सी और रिक्वायरमेंट डी अब इसमें बनाएंगे पहले एंट्रीज टी अकाउंट और उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनाएंगे जिस तरह रिसीवेबल्स बना रहे बैड डेट्स अब आवाज नहीं है किसी ठीक है आप सब बाहर जाएंगे पीछे वाले बैठिए नीचे आवाज नहीं है अब आपकी उठे इधर से उठे आप इधर से बाहर निकले क्लास से बाहर जाएं क्लास से बाहर निकले बाहर फॉरन आ जाए फॉरन
बाहर निकले, चले बाहर, लेकर जाए बैग लेके बाहर निकल, फिटेंगे आप, उठे आप दोनों भी वहां से, बहुत दांत निकल रहे हैं, चलो उठे आप दोनों भी आ जाए, लास्ट वाले दोनों बाहर आ जाए, बाहर आ जाए दोनों, फॉरन उठे फॉरन बाहर निकले, बाहर टाइम वेस्ट नहीं करें, पूरी रिकॉर्डिंग देखिए क्या ऑडियो, सारे ऑडियो आ जाएगी। अच्छा अब इसके एंट्रीज और टी अकाउंट्स बनाते हैं। अच्छा पहली एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज ऑफ मशीन की, क्या बनेगी एंट्री, मशीन डेबिट कैश या बैंक, ये तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंट्री हम कब बनाएंगे, January 1st। अब हमने मशीन यूज की, ईयर एंड हुआ दिसंबर में, इसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, अच्छा कितना था स्ट्रेट लाइन से 35, तो अब वो रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या एंट्री होनी चाहिए आपके पास। अच्छा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या आएगा, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे और एसेट डिक्रीज होगा ना, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अच्छा और एज पर इफेक्ट एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो मशीन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन हम मशीन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, इसके जगह एक नया अकाउंट बनाते हैं और उसे नाम देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दो नाम है एक ही अकाउंट का, ठीक है। तो ये इसकी डबल एंट्री बनती है ईयर एंड पर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो एक ही बात है ना, और यहाँ पे और कर दें, एक ही अकाउंट के दो नाम है, एक मिनट रुकिए, ये आप और कर लें, ठीक है जी, आप बोलें नहीं, ये मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, वो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है ना, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, वो रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, फिर मैंने पढ़ा था ना कैश बुक में, अच्छा कॉपी कर लिया, अच्छा अभी एंट्रीज और टी अकाउंट्स हम बनाएंगे, ईयर वाइज चलेंगे, ठीक है। तो ये पहले 2010 की एंट्रीज हो गई, इसके टी अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, फिर 2011 2012 इस तरह से, ईयर वाइज ये सी पार्ट है, हाँ ईयर वन में दो ही बनेंगे, पहले परचेज ऑफ मशीन की और फिर डेप्रिसिएशन है, दो एंट्रीज होंगी। अभी डिस्कोर्स थोड़ी करते हैं, आगे पढ़ेंगे ना, आगे आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेंगे, डिस्पोजल है फिर एक्सचेंज है वो सब आएगा जी, वो देखेंगे अभी आगे आएगा पढ़ेंगे, इसके लिए वेट करें, अभी सिर्फ रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं, डिस्पोजल बाद में पढ़ेंगे, क्या हो गया अब आपको, क्या हो गया, अच्छे खासे बैठे थे, अच्छा कॉपी कर ली एंट्रीज, कौन रह गया, अभी डिस्पोजल सोल्ड क्वेश्चन 6 में आएगा, उसके एंट्रीज की अकाउंट
7-8 में हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ नॉन करंट एसेट, इसके एंट्रीज की अकाउंट सब बनाएंगे। ओके, अब इसके टी अकाउंट्स बनाते हैं। टी अकाउंट्स, अच्छा मशीन अकाउंट बनेंगे पहले डेबिट, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। मशीन डेबिट वही एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट करती है हमने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बाकी बैंक अकाउंट फिलहाल नहीं बना रहे हैं, जरूरत नहीं है बैंक अकाउंट की, अब सिर्फ एसेट की बात कर रहे हैं इसलिए। अच्छा अकाउंट्स क्लोज करते हैं, अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ, बता नहीं रहा। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस सेम ही आएगा, मशीन अकाउंट का वही 8 लाख 8 लाख 8 लाख आ जाएगा। अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे। अच्छा ये कैरी डाउन ब्रॉड डाउन होगा नहीं होगा, इसी साल क्लोज हो जाएगा ना, ये मैंने बैडेट से बताया था कि बैडेट एक्सपेंस को हम क्लोज नहीं कर रहे थे इसी साल, वो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन नहीं कर रहे थे उसी साल क्लोज करते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो एक्सपेंस अकाउंट उसी ईयर में क्लोज हो जाएंगे और जो भी बैलेंस होगा वो हम इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। तो जिस तरह इररिकवरेबल डेट था वैसे ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये क्लोज होके कैरी डाउन और नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन, ठीक है। अब ये टी अकाउंट कॉपी कर लें, इसके यू गेट 2010 के टी अकाउंट ये सी पार्ट, हाँ डी में सी पार्ट है, ये भी सी पार्ट है। कौन रह गया? अच्छा इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे? 35,000। और बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें मशीन हम रिकॉर्ड करेंगे 8 लाख से, माइनस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 35,000 और ये इसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 7,65,000। ये कॉपी कर लें, दोबारा क्वेश्चन क्या कहने, नहीं बस 11 के अकाउंट बना लें, बाकी 12-13 वो फिर डायरेक्ट। अच्छी कॉपी कर लें, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सपेक्ट पिछला, ठीक है।
हाँ